नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। दमोह पंगत में खाना परोस रहे युवक पर लाठी से किया हमला। हमले में युवक के सिर में आई गंभीर चोट, इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। जिला अस्पताल में युवक को किया भर्ती, इलाज जारी। नोहटा थाना क्षेत्र के मझगवा मानगढ़ गाँव की घटना। दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मझगवा मानगढ़ गांव में आज घर पर आई बारात में बारातियों को पंगत में खाना परोस रहे एक युवक पर गांव के ही एक शराबी युवक ने अचानक लाठी से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। परिजनों के द्वारा गंभीर हालत में घायल को दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ पर इलाज जारी है। वही घायल प्रमोद यादव के पिता हेमराज यादव ने बताया कि आज घर पर बारात आई थी और प्रमोद बारातियों को पंगत में खाना परोस रहा था, तभी गांव का ही उमाकांत शराब पीकर आया और प्रमोद को पीछे से लठ मार दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ पर उसका इलाज जारी है। संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपको? हेमराज यादव। और बच्चे का? प्रमोद यादव। क्या हो गया? वो खाना परस रहा तो बारात आई थी तो पीछे से दारू पी गया, उसने लठ मार दिया। कौन है? उमाकांत। कहाँ का रहने वाला? मझगवा मानगढ़। ये कहाँ के? मझगवा मानगढ़। कहाँ? थाना कौन सा लगता? थाना कौन सा लगता? नोहटा। कब की घटना है? 9 बजे। कौन की शादी हो रही थी? हमारे भैया की लगन आई थी आज। अच्छा, आपको कौन है? भाई।